हेडलाइंस डेली HD न्यूज। अखिल भारतीय परिवार पार्टी देश में जनता को जागरूक करने और उनके जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक राजनीतिक क्रांति का रूप ले चुकी है। इंदौर में आज एक प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय परिवार पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि इस राजनीतिक क्रांति के द्वारा देश के सभी राज्यों में 5 सूत्रीय कार्यक्रम राजनीतिक सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, किसानों का सशक्तिकरण, व्यापार वाणिज्य और कर नीति में सुधार एवं सशस्त्र बलों के लिए बेहतर नीतियां बनाई जाएगी। इसकी पहली आधारशिला बेरोजगारी मिटाओ अभियान के अंतर्गत 13 नवंबर 2021 को रख दी गई, जब माननीय प्रधानमंत्री के आवास के सामने उनका ही पुतला दहन करके सरकार को चेताया कि अपने वादे के अनुसार 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दीजिए या कुर्सी छोड़ दो, सरकारी संपत्ति को औने पौने दाम पर बेचना एवं निजीकरण का पार्टी विरोध करती है। प्रेस वार्ता का आयोजन पार्टी के संस्थापक श्री शाहीनवास चौधरी भारती व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव सिंह कुशवाहा भारती के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बुधवार को प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री राहुल परचा, भारतीय मुख्य महासचिव कृष्णेंद्र चटर्जी, भारतीय राष्ट्रीय प्रवक्ता मध्य प्रदेश प्रभारी श्री प्रियंक बाठिया, भारतीय राष्ट्रीय सचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी व जबलपुर लोकसभा प्रभारी मानव विशाल भारती एवं प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश डॉक्टर विजय तोमर भारती मुख्य रूप से उपस्थित थे। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों फेल होती हैं, इसके बारे में मैंने काफी विस्तार से रिसर्च भी किया, जानकारी भी इकट्ठा की। 3 बड़े कारण है। पहला कारण है कि जो उद्देश्य या जो विचारधारा लोग लेकर के चलते हैं वो जनता से आत्मसात नहीं हो पाती, कनेक्ट नहीं हो पाती। तो अगर जनता के हितों की हम बात करेंगे ही नहीं तो कोई भी पार्टी हो या कोई भी संगठन हो सफल नहीं हो। दूसरा बड़ी चीज़ होती है लीडरशिप। अगर लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी ही ना हो, लोग लीडर्स पे विश्वास ही ना कर पा रहे हो, ज़्यादातर पार्टियाँ कौन सी बनी, वो बनी जो किसी पार्टी में थे, पार्टी से टूट करके आए और उन्होंने अपनी पार्टी अपना दल बना लिया। अब जब उन पर यह भरोसा ही नहीं किया जा सकता कि क्या ये आज हमारे साथ रहेगा या कल हो सकता है इसको फिर अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर चला जाएगा, तो लोग जनता भरोसा नहीं करेगी। ठीक है सर, एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक राजनीतिक राजनेता होना, राजनीतिक ट्रेनर, हाँ, कितना फर्क मानते हैं दोनों? बहुत ज्यादा फर्क है। एक ट्रेनर की जिम्मेदारी अलग है, जैसे ये समझिए कि एक पायलट है, पायलट की जिम्मेदारी है, और एक जो साथ में काम करने वाले सहकर्मी उनकी जिम्मेदारी है। सबका अपना अपना काम है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को राजनीति के बारे में अवेयर किया जाए, राजनीति के शिकार होने से बचाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग, जैसे मैंने कहा, कि राजनीति के शिकार हैं। उन्हें ये पता ही नहीं कि राजनीति होती कैसे है। थोड़ा बहुत पैसा आ गया, थोड़ा बहुत उनको लगता नाम हो गया, और वो चुनाव लड़ने चले जाते हैं, जबकि चुनाव एक समुद्र है जिसमें बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, वरना जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं खा जाएंगे। चुनाव लड़ने के लिए पहली प्राथमिकता अच्छे प्रत्याशी के साथ फंडिंग होती है। ये फंडिंग आपको पता है कि इसका स्केल अब छोटा मोटा नहीं है, करोड़ों पर चलेगा चुनाव। हमारी फंडिंग कैसे होगी, हम हाउ कैन वी जस्टिफाई विद द एक्सपेंसेस? ग्रेट, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू 2 थिंग्स। नंबर 1, मनी इज इम्पॉर्टेंट, बट मनी इज नॉट द ओनली फैक्टर विच इज इम्पॉर्टेंट। अखिल भारतीय परिवार पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को मानते हुए, गांधी जी के विचारों पर चलकर, अब्दुल कलाम जी के सपनों को साकार करके सम्राट अशोक के समय का भारत बनाएगी, जहां जो भारत जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के भेदभाव से ऊपर उठकर सरदार पटेल जी की सोच का भारत होगा, वो भारत बनाएंगे हम। ये अखिल भारतीय परिवार पार्टी की विचारधारा है। चुनाव लड़ने से पहले एक पेड़ बनाना बहुत आवश्यक है लोगों के बीच में। अभी 2.5 साल का समय है तकरीबन, हम किस प्रकार आम लोगों से सीधे कनेक्ट कर पाएंगे? आप सबके माध्यम से, और आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज के माहौल में जब राष्ट्रीय स्तर की मीडिया या बड़ी मीडिया पूरी तरह बयाश्ड है, जैसा कि सर ने अभी बताया कि 13 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी के घर के बाहर 7 RCR के बाहर अपने हाथों से उनका पुतला फूंक करा रहा हूं और बेरोजगारी मिटाओ अभियान की शुरुआत की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की किसी मीडिया पर कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आज इतनी भारी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए हैं, तो ये हाँ, मुझे खुशी है कि लोकतंत्र भी जिंदा है और आप लोग जनता की आवाज़ जरूर उठाएंगे। हमारी आवाज़ मत उठाइए, जनता की आवाज़।